दोस्तों अचार तो सबके घर में बनता ही है, सब लोग खाते ही। अचार के बिना तो किचन हमारा सूना सूना लगता है। लेकिन अचार तो आप बहुत तरीके से बनाते हैं और बहुत चीज़ों का बनाते हैं, लेकिन जो सबसे जो बेहतरीन और सबसे गुणदायक अचार होता है वो होता है हमारा आंवला का अचार। आंवला बहुत लोग नहीं खाते हैं क्योंकि बोलते कसापन लगता है और वो अच्छे से अचार नहीं बना पाते हैं अच्छे तरीके से, तो वो बोलते हैं कि टेस्ट नहीं लगता खाने में। तो आज मैं आपको अचार का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे कि अचार आपका ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और कभी कोई नहीं बोलेंगे कि अचार ख़राब लग रहा है। आप किलो किलो आंवला का अचार बहुत जल्द ख़त्म कर दोगे। तो दोस्तों इस अचार को बनाने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं किस तरीके से अचार को बनाती हूँ, आंवला का अचार जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाला है आज आंवला का अचार का रेसिपी। तो देखिए मैं यहाँ पर आधा केजी आंवला ले ली हूँ, एकदम से फ्रेश आंवला है देखिए। तो आपको अचार बनाने के लिए फ्रेश आंवला लेना है और अगर हल्का सा अगर दाग धब्बा हो तो आप उसे निकाल दें और ज़्यादातर आप फ्रेश आंवला ही लेके देखिए। थोड़ा सा इसमें इस तरीके से मैं इसे कटिंग करके निकाल दी हूँ और ज़्यादातर मैं यहाँ पर फ्रेश आंवला ही ली हूँ और देखिए इस तरीके से ये थोड़ा पक गया, तो देखिए इस तरीके से कलर आ गया। सबसे पहले देखिए इसे मैं धो ली हूँ, अब इसे हम थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए दे दी हूँ, कुकर में पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे आंवला को। आंवला को सॉफ्ट करने से ये होता है, आप चाहे तो कच्चा अचार भी बना सकते हैं आंवला का, मगर वो थोड़ा देर से बनता है। और जो आंवला को थोड़ा सा सॉफ्ट करने से ये होता है, जो इसका आंवला का जो अचार होता है ना उसका कली निकल जाता है। और इसे हम तब तक गर्म करेंगे, इसे पकाएंगे, मतलब कि इसे सॉफ्ट करेंगे जब तक इसका कली जो है आंवला का वो अलग अलग ना हो जाए। अच्छे से इसे उबाल लेंगे जिससे वो कि अचार भी हमारा बहुत ही जल्द बन जाता है और जो कसापन होता है वो निकल जाता है, तो इसीलिए हम इसे बना रहे हैं। तो देखिए इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सीटी आप लगा दोगे ना तो ये आराम से आंवला कली कली अलग हो जाता है। तो इसे हम सिर्फ एक सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए एक सीटी आ चुका कुकर में, इसे मैं चूल्हे पे से उतार के ठंडा कर ली हूँ। अब देख लेते हैं इसे खोल के, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए दे देते। देखिए सीझ गया है अच्छे से, थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है इस तरीके से, देखिए अलग अलग हो चुका है। अब इसे हम एक जालीदार बर्तन में इसके पानी को छान लेते हैं, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके कली को अलग कर लेंगे। तो देखिए आंवला ठंडा हो चुका है, देख सकते हो आप किस तरीके से ये अलग हो रहा है खुद पे खुद। देखिए देखिए इस तरीके से सारे आंवले के कली को मैं अलग करके रख देती हूँ थाली में। तो देखिए सारे गुठली को आंवला में से मैं निकाल दी हूँ और देखिए कितना बढ़िया कैंडी जैसा देखने में लग रहा है। अब इसे मैं धूप में सूखने के लिए दे देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा धूप आ गया है दोस्तों, इसे 2 से 3 घंटे हम अच्छे से इसे सुखा लेंगे ताकि जितना भी इसमें पानी है नमी है वो इसका ख़त्म हो जाए और अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसे मैं धूप में सूखने के लिए दे देती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया धूप आ चुका है, आप देख सकते हो 2 से 3 घंटे हम इसे अच्छे से सुखा लेते हैं। आंवला का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए मसाला को रेडी कर ले रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर ली हूँ साबुत धनिया, सौंफ, मेथी, राई, जीरा, लाल मिर्च। इस तरीके से अगर आप ताज़ी मसाला बनाकर अचार में डालते हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। तो देखिए मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ मसाला को। आप कभी भी घर में अचार बनाते हो तो आप अपने हाथों से मसाला को बना कर ही डालें, अचार बहुत ही टेस्ट लगता है खाने में। दुकान वाला मसाला को ना डालें, वो कच्चा मसाला होता है पिसा हुआ, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इसीलिए आप अपने हाथों से जब बनाते हो अचार को तो आप मसाला को भून के बनाते हो, जिससे टेस्टी जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अचार। तो मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भून चुका है, अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो सारे मसाले को जार में मैं डाल दी हूँ, अब इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए मसाला अच्छे से पीस चुका है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आंवला में 2 से 3 घंटा मैं धूप को लगा दी हूँ अच्छे से, देखिए जितना भी इसका पानी था नमी था वो उसका ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से अचार अगर आप बनाते हो तो बहुत ही दिन तक ये चलेगा और कभी भी आपका अचार बिगड़ेगा नहीं। इसमें डालेंगे नमक, तो अचार जो होता है वो नमक ही बनाता, तो नमक को आप ज़रूर डालें अचार में।
हल्दी, मसाला। इस तरीके से अगर आप मसाला को अचार में बनाकर डालते हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों खाने में। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे तेल को। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कच्ची घानी सरसों तेल। इसे डालने के बाद मिक्स करेंगे। तो जब भी आप आंवला का अचार बनाते हो तो इस तरीके से अगर आप बनाते हो अचार तो बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलेगा दोस्तों, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा आपका अचार और बहुत ही टेस्टी बनेगा इस तरीके से। आंवला को सबसे पहले आप बाज़ार से लाकर उसे धो ले, उसे हल्का सा उसे सॉफ्ट कर ले, और उसके बाद उसे आप धूप में ज़रूर डालें। धूप में डालने से होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो बढ़ जाता है और अचार ख़राब होने का संभावना बिल्कुल नहीं रहता है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। मसाला और तेल को आंवले में अच्छे से मिक्स कर लियो। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर तेल को आप यहाँ पर ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए तेल को ज़्यादा नहीं डाली हूँ, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाता है, तो यहाँ पर कलौंजी आप ज़रूर डालें आंवले का अचार में। तो इसे भी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो है ना अचार बनाना बहुत ईजी दोस्तों, देखिए हाथ भी गंदा नहीं हो रहा और कितने आसानी से मैं आपको अचार बनाकर दिखा रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनता है आंवला का अचार अगर आप इस तरीके से बनाते हो। और इसके फ़ायदे तो आप जानते ही हो कि आंवला का अचार कितना गुणदायक, कितना लाभदायक होता है। इसमें आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप डेली एक आंवला का अचार अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अचार तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन जो आंवला का अचार होता है ना वो अचारों का सबसे बड़ा राजा होता है, क्योंकि इसका जो गुण होता है बहुत अधिक होता है। तो आंवला का सीजन में आप आंवला का अचार ज़रूर बना के अपने घर में रेडी कीजिए। कम से कम 2-3 किलो तो आंवला ज़रूर बनाएं, ताकि साल भर जो है आपका घर में स्टोर रह सके और आप खा सकें, ताकि आपको कभी भी आयरन की मात्रा की कमी ना हो और आपके फेस पर हमेशा ग्लो बने रहे। तो देखिए अचार बन के हो चुका है रेडी, अब इसे हम जार में रख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर शीशा का जार ले ली हूँ और इसे अच्छे से सुखा ली हूँ। जब भी आप अचार को किसी भी जार में रखते हैं तो उसे अच्छे से साफ़ करके उसे धूप में ज़रूर सुखा लें, ताकि इससे भी अचार हमारा ख़राब नहीं होता है। अचार ख़राब होने का दोस्तों कई कारण होते हैं। अगर आपके अचार में ज़्यादा पानी, जैसे कि आप तुरंत अचार बनाते हो उसे डाल देते हो बनाकर अचार, उसे थोड़ा सा सुखाते नहीं हो, तो इस कारण से भी अचार ख़राब होता है। अगर आप गंदे कंटेनर में इसे जार में रखते हो तो इसलिए भी अचार ख़राब होता है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप सिंपल तरीके से और जिस तरीके से मैं आपको बताई हूँ इस तरीके को अगर आप अपनाते हो ना, तो आपका अचार कभी भी नहीं बिगड़ेगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का अचार क्यों ना बनाते हो, और बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जार अचार हो चुका है, थोड़ा सा कम है इसमें गोट हुआ है। तो मैं यहाँ पे आधा केजी आंवला का अचार को बनाई थी। मैं पहले ही 4-5 केजी का आंवला का अचार बना ली थी, मगर देखते देखते सब खाने लगे तो कम होने लगा। तो साल भर अचार रहना बहुत ज़रूरी होता है घर में, सभी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं आंवला का अचार। तो मैं थोड़ा सा और बना ली हूँ, सीज़न ख़त्म हो रहा है तो, और मैं आपको लगे हाथ दिखा भी दी। तो देखिए दोस्तों अचार का रेसिपी आपको कैसा लगा, बिना हाथ गंदे बहुत ही आसान तरीके से कोई भी अचार बना सकता है अपने घर पर। तो इस तरीके से अगर आप अचार बनाते हो तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। पुराने ज़माने में जैसे अचार बनाते थे ना, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी तरीके से और बहुत ही एकदम से ट्रेडिशनल तरीके से, उस तरीके से मैं आपको अचार बनाकर दिखाई हूँ। तो आंवला का अचार का रेसिपी आपको दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आंवला का अचार में दोस्तों बहुत ज़्यादा गुण पाया जाता है, बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आप तो जानते ही है। इसमें आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और जो हमारे खून के लिए होता है ये बहुत ज़्यादा, आंवला जो होता है ना खून की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर आप डेली आंवला नहीं खा सकते हो तो अचार तो आप एक ज़रूर खाते हो, कि अचार सबका पसंदीदा होता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में अचार बनाएं और रोज़ एक पीस अचार आप ज़रूर खाएं आंवला का, बहुत ही ज़्यादा आपको गुण करेगा और फ़ायदा करेगा। आंवला का अचार बनाना तो है ही आसान, तो आप भी इस तरीके से अपने घर में आसान तरीके को अपनाकर आंवला का अचार ज़रूर बनाएं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।